सरकार की योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके तहत क्या है कि हम जो है स्व सहायता समूहों का गठन करते हैं। स्व सहायता एक स्व सहायता समूह में 10 से 20 महिलाएं रहती हैं, उनका एक समूह बनाया जाता है। उसके पीछे मंशा ये है कि जब ये महिलाएं संगठित होकर काम करती हैं तो उससे बेहतर वो उसके प्रति वो सीख जाती है कि कैसे काम करना है। दूसरा, जब वो जमा करती है लोन लेती है तो एक उनकी हिस्ट्री बन जाती है, तो फिर बैंक वाले भी उनको लोन देने में बड़े इच्छुक रहते हैं। तो इसका क्या फर्क पड़ा है जब हमने ये सारा किया, तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक ये हमने 2013-14 से कहते कि लोन का कहते कार्य शुरू हुआ, 4,75,000 करोड़। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कई लोगों को बड़ा शौक लगेगा कि इतना ज्यादा लोन ले चुकी हैं ये महिलाएं। 4,75,000 करोड़ रुपए का लोन ये महिलाएं ले चुकी हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और इससे भी ज्यादा खुशी की बात है, फिर लोन लेना तो एक चीज है। जो शुरू में कहते कि कोई महिला 10 रुपए जमा करती है, कोई 20 रुपए जमा करती है, जब ऐसे वो जमा करते हैं और फिर वो आपस में लोन लेते हैं कि किसी को बच्चे की कहते स्कूल की फीस देनी है या बीमारी में कोई आवश्यकता है, तो वो समूह से लोन लेते हैं। ऐसे उनको पैसा जमा करने और लोन लेने की कहते कि प्रवृत्ति शामिल हो जाती है। फिर हम जब हम देखते हैं कि 6 महीने तक वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक हम उनको रिवॉल्विंग फंड देते हैं 10,000 रुपए, ताकि उनके पास। आरपी सिंह जी, निदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो डॉक्टर आरपी सिंह, श्री आरपी सिंह क्या है ये? चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये हमारे बीच में है, जिनकी देखरेख और नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में बहुत कम समय में, जैसे कि आपको पता है कोविड की तीसरी वेव थी पिछले दिनों, और इतने में इतने बड़ा आयोजन शायद दिल्ली और एनसीआर में पहली बार कर रहे हैं। पापड़ है, मैं सब सारी हाथ से बना हूँ, 30 मिनट साल का छह से सात लाख रुपए और सारी में मुंह भी तेल सब मिला भाई, कोई मैं आटो बेले और कोई भी मतलब मसाला मिला हुआ, कोई मिर्ची काटा और खेत में सांगरी होती सांगरे ला अचार सीखा, कोई केर ला अचार सीखा, कोई मतलब महिला में सारी खेत खड़ी में काम करते करते अचार, कोई काचरा अचार कुंबर अचार, मैं सारा मैं महिला बैठे बैठे अपने आप ही मतलब लिखी पटी तो मैं ही नहीं, मैं तो घूमट काटना पड़ता है सासू है ससुर है सब है। और महिला ने बोलो बोलो इतनी समझ में आती है ना, आगे आप बोलो। मैं समूह बनाया 10-10 रुपये से समूह बनाया, आज मैं महीने में 200-200 रुपये समूह 30 महिला। और पहला मैं खेती खाड़ी में काम करता, वोट बाजरी कुमार कोई भी हो तो मतलब मूँग इसका पापड़ कोई मूड़ी इसके बिना बिना के मैं मतलब बाजार में किलो किलो दो किलो बेचने शुरू करी। आज 4 रुपया से मैं 100 पापड़ बढ़ता, आज 50 रुपये 100 पापड़ 30 महीना। और 12 महीना में रोज 12 महीना में 6-7 लाख के मैं खुद मतलब पापड़ा में बड़ी में और भुजिया में 12 फिर रोल। सर, साल में आजीविका मेला का आयोजन होने जा रहा है, बीते 2 साल में कोविड की अगर बात करें तो किस तरीके से इसने सर्वाइव किया है और इस तरीके का क्या खास मिलेगा देखने को? आपको जैसे मैंने कि शुरू में ही कहा था, एक तो क्या है कि कोविड के कारण जो है जो हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन पे भी काफी असर पड़ा है, तो उसी को कहते कम करने के लिए ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना जो आजीविका जो है कहते कि कर सकें। और इसके लिए जो भी प्रिकॉशन है वो तो हम कोविड के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, सोशल डिस्टेंस, वो सब यहाँ पे रहेगा। कितने राज्यों की 25 राज्यों के मतलब यहाँ पर जो बहनें यहाँ आएंगी, 160 हम यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे और 300 के लगभग जो बहनें यहाँ पर आएंगी। सर, 160 स्टॉल आप लगवा रहे हैं, इन 160 स्टॉलों में जितने भी आएंगे जो भी शॉपकीपर्स आएंगे उनके लिए गवर्नमेंट कितना सपोर्ट दे रही है या उनको अपने खर्चे से ही पूरा बियर करना पड़ेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं
या यहाँ स्टॉल का चार्जेस है, ये सब गवर्नमेंट कितना बियर कर रही है? ये टोटल जो यहाँ पर जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा है जो हम ही लोग उसका वहन कर रहे हैं। और दूसरा, उन बहनों को तो शुरू से हम सिखा रहे हैं, एक मिनट थोड़ा शांति रखेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम तो इनको शुरू से ही उस समूह का सदस्य बनाना, कैसे संगठित होना, कैसे कैसे प्रोड्यूस करना, ये तो शुरू से हमारी प्रक्रिया चली आ रही है। ये कोई आज की नहीं है, सालों से चला आ रहा है ये प्रक्रिया। मेरे कहने का तो ये है कि हम ही लोग यहाँ कहते हैं कि इसको वो करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह, ट्रांसपोर्टर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको करती है। कितने टाइप के व्यंजन मतलब वो आपको बताते रहे थे, जरा बताओ जरा कितने व्यंजन राज्यों से लोग आ रहे हैं जो कि अपना यहाँ पर आपको व्यंजन और खाने को मिलेंगे। सर पहले ही दिल्ली में हुआ करता था, दो बार से नोएडा में हो रहा है, क्या अंतर लगता है आपको नोएडा और दिल्ली? नहीं, दिल्ली का अलग है, नोएडा का अलग है, लेकिन नोएडा का हमें जो लास्ट ईयर था वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कहते हैं कि समर्थन मिला और जो सेल हुई हमारी सारी बहनें, असल में क्या मकसद है, हमारी बहनों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा पहुंचे, तो सभी यहाँ से बड़ी खुश गई और इसीलिए बड़े कहते हैं कि वो उत्साहित हो गए दोबारा इस साल आए। इस बार क्या कुछ उम्मीद लग रही है, जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस की नियमों का पालन करने की बात है, उसके साथ साथ कोविड के तृतीय चरण की बात चल रही, तो क्या कुछ लग रहा है इस बार नया कुछ होने को? नहीं, नया आपको हमने बताया ना कि नए आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नए खाने को व्यंजन मिलेंगे, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा टोटल। उम्मीद क्या है इसमें यहाँ से कुछ करने की? उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सेल होगी ये, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आएंगे, शामिल होंगे।